नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी पीएफ मेंबर्स का आपके अपने चैनल टेक्निकल मुकाबला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ बैंक केवाईसी के एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप सभी पीएफ मेंबर्स का, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे बात करूंगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अपडेट काफी बड़ा और काफी अच्छा अपडेट है पीएफ बैंक केवाईसी पोर्टल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक मिनट मान लीजिए कि अगर आपका बैंक अकाउंट अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप अपनी बैंक केवाईसी की रिक्वेस्ट डालते हो तो वो कहां जाती है? आपकी कंपनी को ना जाकर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के पास जाती है अप्रूवल होने के लिए, ठीक है। तो अब भाई बड़ा अपडेट ये है कि अगर आपका बैंक अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर किसी ग्रामीण बैंक में है तो भी आपके साथ सेम प्रोसेस किया जाएगा। आपकी बैंक केवाईसी की जो रिक्वेस्ट है वो आपके एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी, आपके नियोक्ता को ना भेजकर डायरेक्ट आपके बैंक को भेजी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है पीएफ बैंक केवाईसी का। दोबारा आप लोगों को एक बार सरल भाषा में बता देता हूं कि अगर अब आपका बैंक अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी ग्रामीण बैंक में है तो आपकी बैंक अकाउंट की केवाईसी की रिक्वेस्ट आपकी कंपनी को नहीं भेजी जाएगी, वो डायरेक्ट आपके बैंक के पास भेजी जाएगी अप्रूवल के लिए, ठीक है। सेम स्टेट बैंक वाला प्रोसेस दोबारा आजमा दिया गया है। बिना प्रूफ के कोई भी बात नहीं करता हूं, तो यहां पर मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। तो आप लोग इस वक्त अपनी मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जहां पर क्लियरली देखिए, यहां पर मैं आपको पहले टिक लगाता हूं कौन से बैंक की रिक्वेस्ट है, ये यूबीआईएन आईएफएससी कोड दिख रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, और बगल में क्या लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस बाय बैंक। तो यहां से आप लोगों को उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अब अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक के साथ ही साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है तो भी आपकी बैंक केवाईसी की जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्ट आपके बैंक के पास ही भेजी जाएगी। तो कैसा लगा आप सभी पीएफ मेंबर्स को ये अपडेट, मुझे इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और उम्मीद करता हूं आप लोग को अपडेट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।